I will say one thing also. If you will carefully go through the directive principles of state policy, Uniform Civil Code is one of that. It is there. The framers of the Constitution have said we must have Uniform Civil Code. Now you don't stop at that. You must see how many times Supreme Court has intervened. Be thorough. There are others also. And one is equitable consumption and exploitation of natural resources. Like petrol, gas, we have to optimally use. Use as per our requirement. You have to do it. उसी तरीके से हर आदमी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कैसे कर सकता है या हर व्यक्ति कर सकता है, पर उसको जागरूक करो। स्वदेशी एक ऐसा शब्द है जो हमारे जहन में है। स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा मैसेज है। गांधी जी ने लोगों को एक माला में पिरोहा स्वदेशी का, और लोगों ने खादी पहनना चालू कर दिया। जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। आई वुड वांट दिस ग्रुप टू फोकस कि जिस देश में इतनी प्रतिभा है, इतनी संभावनाएं हैं, वो देश कैसे कैसे आयात कर रहा है। थोड़ा सोचिए, शर्ट, कोट, जूते, जुराब, कैंडल, फर्नीचर, कर्टेन, क्या क्या नहीं कर रहा है, और इसका दुष्परिणाम नहीं देख रहे अपने। हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है विदेशी मुद्रा का भंडार, खाली होता है। बाहर से हम आए हुए सामान को खरीदते हैं, हमारे लोगों के बनाने की क्षमता कम होनी पड़ती है। ऐसा क्यों? ये भावना करो और उनमें भी करो। वी आर द बेस्ट माइंड्स। एक जमाना था भारत में पढ़ा हुआ व्यक्ति दुनिया की बड़ी संस्थाओं में नहीं था। आज का जमाना है कि दुनिया में कोई बड़ी संस्था नहीं है, बड़ा औद्योगिक घराना नहीं है, बड़ा कॉरपोरेट नहीं है जहां पर इंडियन जीनियस का प्रेजेंस नहीं हो। तो फोकस ऑन दैट।